हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ वीडियो और ये ओनली अपडेट और इन्फॉर्मेशन जैसा है। ठंड हमारे यहाँ अभी जाने का टाइम हो गया है। ठंड में ग्रोथ बहुत कम आया हुआ है, फीडिंग भी कम कर रहा था और मेरा डिसीस भी आया था। ये जो टैंक दिख रहा है आपको, उसमें गिल्स का प्रॉब्लम आया था। तो और ये दो टैंक है जो, उसमें मेरा ग्रोथ अच्छा है, 250-200 ग्राम के आसपास का है, इसमें 100 ग्राम के आसपास का है। इसमें साइज़ वेरिएशन बहुत है, 40 ग्राम का भी है, 100 ग्राम का भी है, 150 ग्राम का भी है। तो ठंड में बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। जैसे ही भी 20 डिग्री के नीचे जाएगा टेम्परेचर, तो ये फीडिंग लेना बंद कर देता है। फीडिंग लेना बंद कर देता है मतलब ये फीडिंग कम कर देता है, और 17-18 के नीचे जाएगा तो ये बंद कर देता है फीडिंग, बहुत कम लेता है, पूरा वेस्ट जाता है दाना जो डालते हैं वो। तो अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है, कल्चर भी अच्छा चल रहा है, मोर्टालिटी भी मेरा रुक गया है। मेरा काफ़ी मोर्टालिटी हुआ गिल्स की प्रॉब्लम की वजह से। ये दिख रहा होगा आपको साइज, मैंने इसमें सॉर्टिंग कर दिया है, इसमें 150-200 ग्राम के आसपास का है और इसमें 100 ग्राम के आसपास अंदर का है सब। ये सीड का भी बहुत 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 इम्पोर्टेंस रहता है, आप सीड की क्वालिटी पे आके अगले 5-6 महीने कैसी मेहनत करते हो उसके ऊपर डिपेंड है, दोनों डिपेंड है। सीड क्वालिटी अगर आपका बेकार आ गया तो 5-6 महीने आप जो मेहनत करोगे उसके सामने उतना रिजल्ट नहीं मिलता। तो सीड खरीदते वक्त अभी सीड का भी स्टार्ट हो गया है, सीजन स्टार्ट हो गया है, सीड क्वालिटी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सीड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, जो बंदे बायोप्लॉक कर रहे हैं वो, क्योंकि सीड अगर आपका बेकार आ गया और आपको ग्रोथ नहीं मिला तो आपका मेहनत 3-4 महीने और बढ़ जाएगा। और बायोप्लॉक में हमारा सबसे रेगुलर कॉस्टिंग आता है इलेक्ट्रिकसिटी का, जिसका बड़ा सेटअप है वो तो खास ध्यान रखे कि सीट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप एक काम कीजिए, जो हैचरी वाले कम से कम 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है उससे बच्चे लेना प्रीफर करो। कोई बच्चा अगर सस्ते में दे रहा है तो सस्ते में मत चले जाओ। एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो वैसा ही है इसमें। ये मेरा टैंक का सीड मेरा 30 पैसे महंगा आया था, लेकिन अभी मेरे को पता चल रहा है 30 पैसे का डिफरेंट कितना रहता है। ये मेरा सीड इतना बेहतरीन आया था कि इसका ग्रोथ भी अच्छा है और इसको बड़ा करने में मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि मोर्टालिटी नहीं होता, ग्रोथ अच्छा दिखता है तो हम डिमोटिवेट भी नहीं होते ये दोनों टैंक में। और ये जो मेरा सीड है, 1 लाख लीटर का पाउंड है मेरा बायोफ्लॉक, इसमें मैंने सीड का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। मेरे जिस हैचरी से लिया था वो बोल रहा था कि सर्टिफाइड बच्चा है, सर्टिफाइड बच्चा है, तो ये मंगवाया था 15,000 पीस। तो ये सीड मेरा बहुत दिक्कत किया, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, बहुत सीखने को भी मिला। तो ये बात है, सीड क्वालिटी आप ध्यान रखें। ये जो सीड अभी सीजन स्टार्ट हो रहा है, नए स्टार्टअप है जो, और पुराने बंदे वो सीड मंगवा रहे हैं, जहाँ से आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है वहीं से ही मंगवाइए, नया किसी को भी ट्राई मत कीजिए। और ट्राई करना है तो सैंपलिंग के लिए पहले मंगवाइए, आपके पास कोई स्पेयर में टैंक है उसमें उसका ग्रोथ देख लीजिए, फिर अगले साल या 6 महीने बाद उसके पास मंगवाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि सीड क्वालिटी उसका कैसा है। ये मेरा रिंग ब्रोवर है, 2 HP का रिंग ब्रोवर है।
मेरा लाइन जल जा रहा था, इसमें 2 HP का वायर, मेन वायर जो आता है मीटर से यहाँ तक, वो तो मेरा एक बार मोटर ये कनेक्शन में से निकल गया था रात को, तो उस टाइम भी मेरा 10-12 किलो बायोवेट टोटल मोर्टालिटी हुआ था। तो ध्यान रखो, मैंने अभी एक बैकअप में वायर भी लगा दिया है कि अगर मेन सप्लाई जल गया तो दूसरा मेरे को ओनली ज्वाइन करना रहेगा, तो बैकअप में एक वायर रखा करो। एडिएशन सिस्टम हर रोज चेक करो, हो सके तो, ना हो सके तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर चेक करो। एडिएशन अगर कम हो गया, आपका बायोवेट बायोवेट ज़्यादा है और एडिएशन अगर कम हो गया 2 घंटे 3 घंटे में, और अगर वो तिलापिया है, IMC है, तो वो पूरा आपका नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखो सीट खरीदने में, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बताइए, आगे का अपडेट देता रहूँगा मैं। सीट क्वालिटी ध्यान रखना भैया, सभी लोगों को बोल रहा हूँ, सीट क्वालिटी बहुत ही मायने रखता है इसमें, ठीक है? और कोई भी हेल्प चाहिए फ़ोन कीजिए, मैं ट्रेनिंग वगैरह रखता नहीं हूँ, बायोफ्लॉग में काम कर रहा हूँ अभी 2 साल से। इसका फ्लॉग का भी ध्यान रखना, कभी कभी आपका पैरामीटर अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो समझो कहीं पे गलती हो रहा है, आपका कार्बन सोर्स या प्रोबायोटिक कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो काम नहीं कर रहा, या एरिएशन, एरिएशन तो बायोफ्लॉग में सबसे मेजर पॉइंट है, एरिएशन खास ध्यान रखो। ये ओजेला है, तिलापिया खाती है, बेहतरीन खाती है। ओजेला आप दोपहर में खिलाओ, जो खिलाते हो उतना आप सुबह शाम जो फीड डालते हो उसमें माइनस कर दीजिए करिए, उससे क्या रहता है ग्रोथ अच्छा मिलता है। एक दिन छोड़ के एक दिन दोपहर में खिलाओ, हर रोज खिलाओ, वो आप कैसी प्रैक्टिस करते हो उसके साथ, उसके ऊपर डिपेंड है। ओजेला से भी अपना FCR कम आता है। तो कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो बताइए, और मेरा तो ये कहना है सीट क्वालिटी खास ध्यान रखो, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा 2 बार, सीट क्वालिटी बेहतरीन होना चाहिए। सीट क्वालिटी अच्छा हुआ तो आपको कल्चर करने का पूरा मज़ा आएगा, और जब कल्चर ख़त्म हो जाएगा तो आपको कुछ 2 पैसे दिखेंगे भी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये देखिए दोस्तों, अकेला हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है साइजिंग बताने में, ये 150 ग्राम की है, तो दोस्तों इसमें 150 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम ये बड़ी साइज़ है, और ये टैंक में 100 ग्राम के नीचे वाली है।